वेलकम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कॉलम्स की और उनके उसके रेलिवेंट सेटिंग्स की। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं मजीद सेटिंग्स। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास लास्ट टाइम हमने बात की थी सेक्शन की। अब ये जो ब्लू एरिया सिलेक्टेड है, ये कम्प्लीट सेक्शन है। ओके, इस सेक्शन के अंदर दो कॉलम्स हैं, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, जिसके अंदर ये राइट साइड वाला डाटा और एक लेफ्ट साइड वाला। अब ऑब्वियसली बात है, एक जो सेक्शन होता है वो इस तरह से होता है और उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, या एक कंप्लीट कॉलम होगा। अगर हमें कंप्लीट सेक्शन चाहिए होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो एक ही कॉलम होगा, राइट। अगर हमें दो से तीन चीज़ें ऐड करनी होंगी एक ही सेक्शन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंट जो है कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये पूरा सेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस पर इस तरह से हाईलाइट करूँ तो ये पूरा सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये पूरा सेक्शन है सर्विसेज का, और इसके अंदर देखें तीन कॉलम्स है, एक दो और तीन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा हमारे पास मैनेज कॉलम्स का। इस पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा। सिंपल क्लिक करने के बाद ये कॉलम्स का जो सेक्शन है हमारे पास एडिट करने के लिए आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि हम कौन से कॉलम को एडिट करना है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कि अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला कॉलम जो है सेकंड पे आ जाए, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा। ये देखें फर्स्ट वाला सेकंड पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला बैक वापस चला जाए, तो ये देखें उधर आ गया। तो इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये तीन कॉलम्स की जगह चार कॉलम्स हों, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें चार इमेजेस हो गई, ठीक है। और इस नीचे वाले को भी जो है वो मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ नीचे वाले कॉलम्स को, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैनेज कॉलम, और इसको भी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब देखें ज़रा, यहाँ पर हमारे पास चार कॉलम्स आ गए, ठीक है, इस तरह से। तो अभी अगेन मैं मैनेज कॉलम्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिलीट का। अब मुझे कोई कॉलम डिलीट करना है, तो मैं सिंपल कौन सा कॉलम डिलीट करना है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसको डिलीट कर दूंगा। लेट्स सपोज थर्ड वाला, ये वाला डिलीट करना है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, और इस वाले के भी थर्ड कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ताकि वो इवन रहे, या जैसे भी मेरा डिज़ाइन होगा, जिस तरह से भी मैं डिज़ाइन चाह रहा हूँ, तो उस तरह से जो है वो मैं डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से फिर अगेन ये कॉलम का जो है टेक्स्ट डिलीट हुआ है, कॉलम इट सेल्फ डिलीट नहीं हुआ, अब कॉलम भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से जो कॉलम्स हैं, और जब मैं कॉलम्स पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखें चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड। अब ये बेसिकली ये पूरा स्ट्रिप है एक, ठीक है, उसके अंदर कॉलम्स हैं एक दो तीन, ठीक है, और ये पूरा एक सेक्शन है, उसके अंदर स्ट्रिप्स हैं, और स्ट्रिप्स के अंदर हमारे पास जो है कॉलम्स हैं, कॉलम वन, ये देखें ये कॉलम टू और ये कॉलम थ्री, और उसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड हैं या इमेजेस बेस्ड के, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, बैक टू स्क्रोल इफेक्ट, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ इफेक्ट्स दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे जब कोई स्क्रोल डाउन करे तो इस तरह से इफेक्ट आ जाए, तो ये वाले ऑप्शंस मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। शेप डिवाइडर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, लेआउट इसका चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, अपने कॉलम्स का, उस पूरे सेक्शन का, उस पूरे स्ट्रिप का। जैसे यहाँ पे अभी ये वाला लेआउट है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये वाला लेआउट है इक्वल, तो इस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि दो पे थोड़ा आए और उस पे आए, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो अभी मैं इसको इक्वल ही रहने दूंगा, तो ये वाले ऑप्शन। फिर उसके अलावा इसको मैं स्ट्रेच करना चाहूँ, तो ये कम्प्लीट जो है पेज पे आ जाएगा, मतलब जो बॉक्स्ड वेबसाइट होती है उस तरह के स्टाइल में आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन पे नजर आए, तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे इस तरह से शो कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे, और ये कॉलम्स पे हम क्लिक करेंगे, तो कॉलम्स के ऑप्शंस यहाँ पे, अगर मुझे ऐड कॉलम करना है, तो यहाँ पे मैं कॉलम्स पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो कॉलम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप हर चीज़ एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेस करना चाहेंगे, रैंडम अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल देंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कॉलम्स को किस तरह से यूज़ करना है, और कॉलम्स का क्या यूज़ है, और कौन कौन से ऑप्शंस उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।